हेलो दोस्तों, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर्स हो, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी पर्सन ये कह रहे हैं कि भाई हम इंस्टाग्राम की ऑफिशियल एप्लीकेशन से अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है और हमें वहाँ पर कुछ इस तरह के एरर शो हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ बराबर में स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो। अगर आपको भी ऐसे ही एरर शो हो रहे हैं, आपका पासवर्ड रीसेट नहीं हो पा रहा है, आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, किस तरह से आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो और ये जो एरर आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम आपके साथ में क्यों आ रही है, इसका रीज़न क्या है, सारी चीज़ जो है इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। और जो पासवर्ड आपका चेंज नहीं हो रहा है उसको चेंज भी कराने वाला हूँ, तरीका बताऊँगा किस तरीके से चेंज करना है। तो सारी चीज़ अगर आप जानना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑफिशियल जो एप्लीकेशन होती है इंस्टाग्राम की, अगर आप उसमें अपनी आईडी को लॉग इन करके और सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाकर के पासवर्ड पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को चेंज कर रहे हो और वहां पर आपको एरर शो हो रहे हैं, आपका पासवर्ड जो है ना चेंज नहीं हो रहा है और वहां पर ऐसे एरर आपके सामने आ रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है वो तब होती है हमारे साथ में अगर हम अपनी डिवाइस को चेंज करके किसी और डिवाइस में, मतलब अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं और वहाँ से अपने पासवर्ड को चेंज करते हैं, तो वहाँ पर हमें 5 दिन के लिए वेट करना होता है। 5 दिन के बाद में जो है हम अपनी आईडी के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर जो ना स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है 5 डेज, तो उसके बाद ही आप ना चेंज कर पाएंगे। अब ये होता क्यों है, हमने अपने अकाउंट को लॉगिन किया किसी न्यू फ़ोन के अंदर और उसके अंदर लॉगिन करते ही हम वहाँ से अपने पासवर्ड को चेंज कर रहे हैं। अब पासवर्ड जब हम चेंज करते हैं तो इंस्टाग्राम को ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है ये किसी दूसरे के अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर रहा है अपने फ़ोन में लॉगिन करके, तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना 5 दिन का वेट करने के लिए बोलता है इंस्टाग्राम, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि दूसरे का अकाउंट हो और उसका पासवर्ड चेंज करना चाह रहा हो, तो इसलिए आपको वहाँ पर ये एरर शो होता है कि 5 दिन के बाद में इस अकाउंट के पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हो। तो गाइज़ ये जो एरर आता है वो इसलिए आपको आता है, न्यू डिवाइस में ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हम न्यू फ़ोन के अंदर लॉगिन करके, जो हमारा पुराना फ़ोन है उसमें तो हो जाता है, लेकिन अगर हम न्यू फ़ोन के अंदर मान लो मार्केट से हम जो है ना कोई फ़ोन खरीद के लेकर के आए और उसमें लॉगिन करते ही हम पासवर्ड को चेंज करने लगे, तो एकदम से पासवर्ड चेंज नहीं होगा और वहाँ पर वो एरर ही शो होगा 5 दिन वाला। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई हमें, हमारा ही फ़ोन है, हमें ही करना है, तो अब कैसे हम इसको पासवर्ड को अपने रीसेट करेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इंस्टाग्राम की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन होती है वहाँ से आपको अपने पासवर्ड को चेंज नहीं करना है, आपको अपने पासवर्ड को रीसेट करना है, फॉरगेट करना है। वो किस तरीके से करना है, क्रोम ब्राउज़र होता है वहाँ पर जाना है, instagram.com पर जाना है और जैसे ही instagram.com की वेबसाइट खुलेगी वहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा आईडी को लॉगिन करने का, और उसी के जस्ट नीचे बराबर में आप यहाँ पर देख सकते हो फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में अपना यूज़र नेम डाल करके जो ना फाइंड करेंगे अपने अकाउंट को और वहीं पर जो है ना आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप रीसेट पर क्लिक करोगे वहाँ पर, तो आपके नंबर पर या ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड किया जाएगा, उस लिंक से आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं, उसको जो है वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्रोम से अपने अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, अगर आपका जो ना ऑफिशियल एप्लीकेशन से नहीं हो रहा है। और अगर आप ऑफिशियल एप्लीकेशन से ही करना चाहते हैं तो 5 दिन का वेट करना होगा, उसके बाद में आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।